स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 12। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉलिड को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, तो फर्स्ट टाइप है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जो सॉलिड है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी पेयरिंग होएगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इनकी स्पिन है, जो स्पिन कैंसल आउट हो जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसल आउट हो जाती है बाय इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो होते हैं मटेरियल, इनमें वीक रिपल्शन होती है, वीकली रिपेल करते हैं, रिपेल किए जाते हैं वीकली। तो इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का, हम चाहे टेम्परेचर इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, तो इनकी कंडक्टिविटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्ज़ाम्पल है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड एंड जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक मटीरियल। सो नेक्स्ट इज़ पैरामैग्नेटिक सॉलिड और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एक से या एक ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इनमें जो स्पिन आती है, स्पिन हम काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पेयर्ड है तो इनकी स्पिन ज़ीरो हो जाएगी, म्यू एस ज़ीरो होता है। बट अगर ये पेयर्ड हैं तो स्पिन जो होती है, सॉरी अनपेयर्ड है तो स्पिन जो ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होएगा इनका। इनमें वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये, एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जो टाइटेनियम ऑक्साइड। सो जो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, लेट ये इनकी डोमेन्स हैं, किसी भी डायरेक्शन में अलाइंड है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होएगी, जो डोमेन्स हैं और इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। अगर हमने वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी, तो इनकी डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, उसी पैटर्न में दोबारा अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। फेरोमैग्नेटिक सॉलिड इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट बाय द फील्ड। इनमें क्या होता है, जब हमने ये डोमेन्स हैं जो इनकी फील्ड है, जो अरेंज हुई है डिफरेंट डायरेक्शंस में, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो अरेंज होगी किसी डायरेक्शन में। अरेंज होने के बाद क्या होएगा, अगर हमने ये फील्ड रिमूव कर दी, रिमूव करने के बाद इनमें जो मैग्नेटिक करैक्टर इंड्यूस हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होएगी इनकी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो इनकी एग्जांपल हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स हैं क्रोमियम का ऑक्साइड CrO2। सो जो स्पेशल टाइप्स के होते हैं, ओनली 3 एलिमेंट्स जैसे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल ही फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, इनके ऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये जैसे आयरन, निकल और क्रोमियम के मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे एज एट रूम टेम्परेचर। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में जो नेट डायपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो होती हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है, जो डायपोल्स पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अपोजिट स्पिन होती है। जैसे ये पेयर्ड है, एक दो या दो से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बट जो डायपोल्स पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी स्पिन अपोजिट होने की वजह से जो नेट डायपोल मोमेंट आती है
वो जीरो के इक्वल आएगी। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होते हैं। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उनका स्पेशल केस है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इस तरह के सॉलिड होते हैं जिनमें अपोजिट स्पिन्स होती हैं एट डायपोल्स, तो जिसकी वजह से इनकी जो नेट डायपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो इस टाइप्स के सॉलिड की एग्जांपल हैं मैग्नीज का ऑक्साइड V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, सॉरी वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, MnO2, FeO। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। तो लास्ट टाइप इज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है, जो इनकी मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, स्पिन्स जो होती हैं, वो एंटी पैरेलल होएंगी एक दूसरे के, बट इक्वल नंबर में नहीं होगी, अनइक्वल नंबर्स में होगी। अगर एक एंटी पैरेलल है दो पैरेलल होएंगी, तो इस तरह इनकी डायपोल मूवमेंट है जो कैंसल आउट नहीं होएगी, कुछ ना कुछ नेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू आएगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होएगी। तो इस टाइप के सॉलिड्स को फेरोमैग्नेटिक सॉलिड बोला जाता है। इसकी सब सॉलिड्स की वर्सेटाइल एग्जांपल ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा सॉलिड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ Fe3O4। तो ये सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म शो करेगा बिहेवियर। तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।